1, 2, 3, 4, 4, and now with single, 1, 2, 4, 4, 4. So good start here by Awais Khan, who is an outstation player for Gajant Lakshmi. Just comes in bowls off spinners, decent off spinners here, and bowling round the wicket, so angle will be slightly different. Let's see where the fielders plays. Deep square leg, long on and long off. Third free hit has also been taken in the batting power play. This time he gets four runs. Ball was full and third man was inside. So once it crosses the inner ring or point region, it was a definite four. Now they have to go give a thought about field placement. Well, if you saw carefully, that third man was quite behind and he was called at the last moment and been taken. So he wants to make this over count. Chandrakant Ghadi has already got a boundary of a free hit in this over. Can he get one more? He can definitely score. Has he put it in the boundary? Oh, this is a stunning effort. What a dive. Previously, we saw a stunning dive from the same fielder. Ulpalt Sheth. Some wayward bowling is allowing Chhigaon cricketers to make a comeback. This time, once again, down the leg side. This is a Ghadi classic. This is as easy as you can get. And because of the batting power play restrictions, fielders also cannot be placed down on the leg side in the square leg by the captain. 158 per Rukawai score, 18th over in progress. इस बार हल्का तुझे खेला, वहां पर गैप था, उसी गैप में भेजा गेंद को, एक रन कंप्लीट, दूसरे रन के यहां पर कोशिश और थोड़ी सी यहां पर मिसफील्ड, अगर ठीक समय पर बॉल को पकड़ पाते, थ्रो करते तो एक मौका यहां पर जरूर बन सकता था, लेकिन नए बैट्समैन विट्ठल घाड़ी और ये बहुत ही करारा शॉट, वहां पर फील्डर जरूर मौजूद, लेकिन फील्डर बहुत जो है दर्शक बनेगा और एक बाउंड्री यहां पर, वेलकम बाउंड्री, 19वीं ओवर की पहली गेंद और पहली गेंद पर चंद्रकांत ने करारा प्रयास किया और गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर। तो इस इन दैत ओवरों में इस तरह की बल्लेबाजी यहां पर चाहिए ताकि स्कोर जो है एक बड़ा स्कोर, बड़ा टोटल जो है बने और गेंदबाज जो है उन्हें और ये यहां पर बहुत ही बढ़िया शॉट, तीर की तरह गई गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर चौके के लिए और दूसरा चौका आता हुआ इस ओवर में, दो यहां पर गेंदे और दोनों ही बॉल गेंदों पर बहुत ही बढ़िया प्रहार और दो बाउंड्री यहां पर अर्जित करते हुए अपने टीम का टोटल जो है बढ़कर हुआ है 116 आए है। और ये कड़ा प्रहार, वहां पर गैप, फील्डर वहां जरूर कोशिश, पैरों के सहारे इस गेंद को रोका, लगभग इस गेंद पर चौका लिखा था, चार रन लिखे थे, लेकिन जो एफर्ट वहां पर बाउंड्री लाइन पर फील्डर का था तारीफ के काबिल, दो रन यहां पर अपने टीम के लिए रोके, लगभग जा रही थी गेंद, ट्रेवल कर रही थी बाउंड्री की ओर, लेकिन अंत समय में इस गेंद को रोका, फुटबॉल स्किल का यहां पर बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल, दो रन रोके, अपने मैक्सिमम स्कोरिंग उसी के बल्ले से अब तक आई है। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट, वहां फील्डर मौजूद जरूर, सीधी फील्डर के हाथ में वहां पर थोड़ी सी छोटा सा फंबल, दूसरा रन हम लेना चाहते हैं, लेकिन ये अगर कलेक्शन अच्छा होता तो रन आउट जरूर होता, लेकिन थोड़ी सी हड़बड़ाहट, कीपर यहां पर मिसजज कर बैठे और उसी की बदौलत दो रन यहां पर दौड़कर कंप्लीट किए। इस आखिरी ओवर में ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रखना चाहते अपने पास, जो गोल्डन ओवर बहुत ही हित में गया शिरगांव क्रिकेटर्स के।
इस बार कदमों का इस्तेमाल और फील्डर वहां पर बनेगा सिर्फ दर्शक। सिर के ऊपर से जाती हुई लॉन्ग ऑन के और एक यहां पर छक्का जुड़ता हुआ जो स्ट्राइक यहां पर अपने पास रखना चाहते थे तो इसी कारण के लिए और ये करारा शॉट सीधे चेरों के लिए। और इस आखिरी ओवर में बहुत ही बढ़िया बैटिंग, दो रन जो लिए थे पिछली गेंद पर, रिस्क लिया था, रनआउट होने की संभावना थी लेकिन उसके बाद दूसरा रन लिया, कंप्लीट किया और उसके बाद ये करारा शॉट। फिर एक बार हवा में गेंद इस बार आई नहीं बल्ले पर, अब फील्डर वहां पर कोशिश जरूर लेकिन थोड़ी सी आगे गिरी। फिर एक बार स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते, रन आउट होने की संभावना और थर्ड एम्पायर को रिफर किया है तो जरूर खतरा यहां पर क्योंकि ये रन जो है यहां पर नहीं था लेकिन फिर भी स्ट्राइक अपने पास रखने के लिए चंद्रकांत दौड़े। देखते हैं एम्पायर सेंचुरी तक पहुंच सकते हैं। देखते हैं यहां पर निगाह है चंद्रकांत गाड़ी, एक बहुत ही बढ़िया पारी जब तक जब जरूरत थी टीम को, स्कोर बहुत ही कम बना था, आक्रामक पारी। कदमों का इस्तेमाल यहां पर फिर एक बार दो रन लेने की जरूर कोशिश करेंगे, एक रन कंप्लीट, गैप में गई है गेंद और जब तक वहां मिड विकेट क्षेत्र से गेंद आती दो रन यहां पर दौड़कर कंप्लीट और चार रन चाहिए चंद्रकांत घाड़ी को अपना हाफ सेंचुरी अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए। तो देखते हैं इस आखिरी ओवर आखिरी गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर पाते हैं या नहीं। 186 लगा है बोर्ड पर स्कोर 6 विकेटों के नुकसान के बाद आइए चार और ये शॉट तो अच्छा लगाया है लेकिन बाउंड्री नहीं जाएगी, एक रन यहां पर कंप्लीट, दूसरे रन की यहां पर कोशिश नहीं करेंगे नहीं लेकिन यहां पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट बॉलर द्वारा और उसी का फायदा उठाकर और एक यहां पर 48 बैड लक, लास्ट गेंद पर चौका चाहिए था लेकिन नहीं गया और उसी के साथ यहां पर 20 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 193 लगे हैं बोर्ड पर और 194 रन यहां पर बनाने होंगे गजंत लक्ष्मी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल टीम को। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।